और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक पर आप रणभूमि में सबसे पहले देख रहे हैं। फरार अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में आगे आगे अमृतपाल भाग रहा है, पीछे पीछे जालंधर के पुलिस कमिश्नर पिस्तौल लेकर उसका पीछा कर रहे हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। और अभी जालंधर पुलिस हमारे साथ जुड़ेगी भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर चार दिन बाद यानी शनिवार को इस आदमी के पीछे यानी अमृतपाल के पीछे 80,000 की पंजाब पुलिस तब से लगी है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया है। भगोड़े अमृतपाल का एक नया वीडियो ये सामने आया है। किस तरह दनदनाते हुए वो एक के बाद एक गाड़ियां भी बदल रहा है, उसने अपना हुलिया भी बदल दिया ऐसा कहा जा रहा है। एक गुरुद्वारा साहिब में गया, गुरुद्वारा साहिब में उसने जाके अपने कपड़े बदले और वहां से फिर फरार हुआ। प्रश्न यही कि आखिर पंजाब पुलिस कर क्या रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले अमृतपाल अपनी गाड़ी में भागता नजर आया। प्रश्न यहां ये भी उठता है, क्या किसी ने उसको ये गोपनीय जानकारी, इस ऑपरेशन के बारे में गोपनीय जानकारी क्या किसी ने उस तक पहुंचा दी थी कि पुलिस उसके पीछे आ रही है। उसके कई साथी पकड़े गए थे। यह समय देश की सबसे बड़ी तलाश है और देश की सबसे बड़ी तलाश के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे रिपोर्टर देश के अलग अलग कोनों में है, कैसे नेपाल की सीमा तक पुलिस पहुंच रही है, उत्तराखंड तक पुलिस पहुंच रही है। और अमृतपाल को तलाशने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं हम आपको वो भी विस्तार से बताएंगे। अमृतपाल का पीछा कर रही है इस समय पुलिस, लेकिन अमृतपाल तक नहीं पहुंच पाई है। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर कौन उसे छुपा रहा है, कहां छिपा रहा है, कहां कहां उसे ढूंढने का प्रयास हो रहा है, हम आपको वो भी विस्तार से बताएंगे। तो आखिर कहां पर है अमृतपाल, ये पता लगाने का प्रयास मुंबई इस समय पंजाब की पुलिस कर रही है। क्या वो अभी भी नंदलंबिया में छुपा हुआ है? क्यों? कहा यह जा रहा है कि वहां उसका ठिकाना है, वहां उसके जानने पहचानने के लोग हैं, या फिर वो उत्तराखंड भाग गया उधम सिंह नगर में, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं, बताया यह जा रहा है। और यह खुफिया जानकारी है पुलिस के पास कि कुछ लोग उसे वहां छिपा सकते हैं। लेकिन जैसा हम आपको सबसे पहले और आज तक पर सबसे पहले रणभूमि में हमने आपको यह बताया कि कैसे उसके नेपाल भागने की भी खबर थी और नेपाल की सीमा पर भी सशस्त्र सीमा बल के साथ पंजाब पुलिस, इसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी एक तरह से धरपकड़ के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन क्या वो नेपाल भाग चुका है? क्या वो एक अन्य पासपोर्ट के साथ, किसी और देश के पासपोर्ट के साथ दुबई जाने की फिराक में है या कनाडा जाने की फिराक में है? ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं और इसीलिए नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी खुफिया पकड़ की जा रही है। अच्छा, इस बीच हम आपको ये भी बता दें, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है हरविंदर सिंह रिंदा, कहा यह भी जा रहा है कि हरविंदर सिंह रिंदा उसकी मदद कर रहा है। कौन कौन उसकी मदद कर रहे हैं? एक हम आपको खबर यह भी बता दें कि पाकिस्तान का जो ISI है उसके लोग भी बिल्कुल पैनी निगाह रखे हुए हैं। बकायदा यहां पर जो उनका हाई कमीशन है वहां से सूचना पाकिस्तान जा रही है, इस सारी डिटेल्स उनको दी जा रही है। एक इंटरनेशनल भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है, चाहे वो कनाडा में हो या इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो। कोशिश यही है कि किस तरह से इस आदमी को पकड़ा जाए। भारत की कोशिश लगातार यही है।